नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम एपी के तीसरे सत्र में शामिल हो रहे हैं। क्लास टेन के समानांतर श्रेणी का आज तीसरा सत्र है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन सीखेंगे, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की किताब से। क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। एक एपी दिया है, पहला पद 2, दूसरा पद ज्ञात करनी है और तीसरा पद 26 है। तीसरा पद 26 है, तीसरा पद का सूत्र आपने पढ़ा है a+2d, ये 26 दिया हुआ है। a का मान 2 है, 2d 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 24 में से 2 घट जाएगा, तो 26 में 2 घट जाएगा तो 24 हो जाएगा, बराबर 2d, 2 से कट गया 24, 12 हो गया। d का मान 12 आ गया साथियों। ये बॉक्स दूसरा नंबर पद है, a2 है, a+d, a का मान 2 है, d का मान 12 आया, 2+12 14 हो गया, यानी खाली स्थान में 14 भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें दूसरा पद 13 है, तीसरा पद ज्ञात करनी है और चौथा पद 3 है। दूसरा पद 13 है, इसका मतलब a+d बराबर हो गया 13, इक्वेशन फर्स्ट। चौथा पद 3 है, a+3d बराबर हो गया 3, समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में यदि फर्स्ट घटा देते हैं, a+3d+3, a+3d बराबर 3 और a+d बराबर 13, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 13 में d घटेगा तो 2d बराबर हो जाएगा -10, 2 से कट गया 10 तो 5 हो गया, d का वैल्यू -5 आ गया। ये पहला बॉक्स में a1 है, a1 का मान समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं, फर्स्ट है a+d बराबर 13, यानी a बराबर आएगा 13 -d, d का मान -5 आ गया तो माइनस माइनस हो जाएगा +5, 13 5 18, यानी पहला पद 18 हो गया। अब ये तीसरा पद निकालना है, a+2d, a का मान 18 +2 × -5, 18 − 10 = 8, a3 बराबर हो गया 8। तीसरा नंबर प्रश्न है 5, 2 खाली बॉक्स है, 9.5, a का मान 5 है, a4 बराबर है 9.5, यानी 19/2, a4 का मतलब a+3d, 19/2, और a का मान 5 है, 5+3d = 19/2, यानी 3d = 19/2 − 5, 2 LCM लेंगे 19 − 10, यानी हो जाएगा 9/2। 3d का मान 9/2 आ गया, 3 से d 9 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी d का मान आ गया 3/2। अब a2 बराबर है a+d, a का मान है 5 और d का मान 3/2, LCM लेंगे 2 तो 5 × 10, 10 × 3 = 13/2, तो a2 का मान हो गया 13/2। a3 तीसरा बॉक्स, a+2d, 5+2 × 3/2, तो 2 कट गया, 5+3 = 8 हो गया। इस तरह से दूसरा पद 13/2 और तीसरा पद 8 आ गया। प्रश्न संख्या 4, इसे -4 दिया है और लगातार 4 बॉक्स खाली छोड़ा है, यानी a2 a3 a4 a5 ज्ञात करनी है और a6 6 है, a6 = 6 है, तो a6 = a+5d = 6, a का मान -4 है, 5d = 6, 5d = हो गया -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 6+4 = 10 हो गया, यानी d का मान 2 आ गया, 5 से 10 कट गया 2 मरते, d का मान 2 आ गया। अब पहला बॉक्स मैंने दूसरा पद निकालना, a+d, a का मान -4 है, d का मान 2, -2 आ गया। तीसरा पद a+2d, -4 + 4 यानी 0, चौथा पद a+3d, -4 + 6 यानी 2, पांचवा पद a+4d, -4 + 8 = 4। पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया, पहला पद आपको ज्ञात करनी है, दूसरा पद 38 है, तीसरा पद ज्ञात करनी है, चौथा पद ज्ञात करनी है, पांचवा पद ज्ञात करनी है और छठा पद -22 दिया है।
दूसरा पद का मतलब a प्लस डी बराबर हो गया 38 समीकरण फर्स्ट, छठा पद का मतलब a प्लस 5d बराबर हो गया माइनस 22 समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटा देते हैं तो a कैंसिल हो जाएगा, 5d में d घटेगा तो 4d हो जाएगा, और माइनस 22 में 38 घटेगा तो माइनस 60 हो जाएगा, 4 से 60 कटेगा 15 बढ़ते, यानी d का मान हो जाएगा माइनस 15। इसका मान समीकरण फर्स्ट में भर दीजिए तो a बराबर 38 माइनस डी, 38 माइनस डी का मान माइनस 15 है, 38 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15 यानी 53, ए का मान 53 हो गया। अब ए का मान 53 हो गया, अब मुझे पहला पक्ष निकालना तो ए का मान 53 हो गया, तीसरा पक्ष निकालना है यानी ए प्लस 2d, ए का मान 53 हो गया 2d का मान माइनस 15 माइनस 30 हो गया, 53 में 30 गया 23 हो गया। चौथा ए 4 हो गया ए प्लस 3d, 53 प्लस 3 माइनस 15 त्रिपन माइनस 45 बराबर 8 हो गया। ए 5 ए प्लस 4d, 53 प्लस 4 माइनस 15 त्रिपन माइनस 7 बराबर हो गया माइनस 7। चौथा पद, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया साथियों, चौथा नंबर क्वेश्चन एक एपी है दिया हुआ 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। मान लेते हैं कि यह एनुआ पद 78 है, पहला पद 3 है, डी 8 में 3 गया तो 5 हो गया, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 78 बराबर 3 एन माइनस 1 इंटू 5, इसको इधर किए 75, 75 से 5 कट गया 15, एन बराबर हो गया 16। यदि एन का मान पूर्णांक धन पूर्णांक में नहीं आता तो कोई पद 78 नहीं होता, एन का मान एक धन पूर्णांक के रूप में आ गया है 16, यानी इसका 16वां पद 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक एपी में दिया है, 5 का पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, इसमें कुल कितने पद होंगे, यानी पहला पद 7 दे दिया, कॉमन डिफरेंस 13 में 7 गया तो 6 हो गया, और an यानी अंतिम पद बराबर 205 हो गया। साथियों an बराबर आपने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, एन का मान 205 है, ए का मान 7 हो गया, एन माइनस 1 इंटू 6 हो गया, 205 में से 7 घट गया तो 198 हो गया, गुने 6 तो बटे 6 करेंगे ये 33 हो जाएगा, माइनस 1 इधर करेंगे तो प्लस 1 34 हो जाएगा, एन का मान हो गया 34। अब एन का मान 34 हो गया, अब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कितने पद होंगे, यानी इस एपी में 34 पद होंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक एपी दिया माइनस 47 अंतिम पद है और फिर पूछ रहा है इसमें कितने पद होंगे, तो ए हो गया 18, डी 15 पूर्णांक 1/2 में 18 घटाएंगे, 15 दुनी 30 एक 31/2 माइनस 18 एलसीएम लेंगे 2 31 माइनस 36 माइनस 5/2, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस 47 है अंतिम पद माइनस 47 है, ए 18 है एन माइनस 1 उन्हें 5/2, ये 18 को इधर किए तो माइनस 65 हो गया, माइनस 65 इसको ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर गया ऊपर वाला नीचे चलाया, 5 से कट गया 65 13 मरते 13 दुनी 26 माइनस माइनस कैंसिल, एन का मान हो जाएगा 26 प्लस 1 27, यानी इस एपी में कुल 27 पद होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या एपी का एक पद माइनस 150 होता, ऐसे प्रश्न को ज्ञात करने के लिए सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि इसका एनवा पद माइनस 150 है, और यदि इसे हल करने से एन का मान एक धन पूर्णांक के रूप में आ जाता है तो वही पद इसका मान माइनस 150 होगा, और यदि एन का मान एक धन पूर्णांक के रूप में नहीं आता है तो वह उसका कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा। साथियों अब आते हैं ए का मान कितना है 11, डी का मान 8 में से 11 गया तो माइनस 3, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150, ए का मान 11 भर दिए 11 को उधर ट्रांसफर कर दिए माइनस 161 हो गया, गुने माइनस 3 था बटे 3 कर दिए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 161 बटे 3, एन बराबर हो जाएगा 163 प्लस 1 164/3, ये 54 पूर्णांक 2/3 हुआ,
साथियों ये पूरा पूरा नहीं कट पाया, इसका मतलब यह है कि एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। 11वां पद 38 दिया है मतलब a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण फर्स्ट, a 16 का मतलब a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटा देते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 15d में 10d जलाएगा तो 5d हो जाएगा और 73 में से 38 घटेगा तो 35 हो जाएगा, तो 7 बचे 35 हो गया, d का मान 7 आ गया। अब a 31 समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, यहां पर यहां के बाद यहां आते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, a बराबर 38 माइनस 10d है, d का मान 7 आ गया तो 38 माइनस 70 हो गया, 38 में 70 जाएगा तो माइनस 32 होगा। अब a 31 निकालना है, a 31 बराबर होता है a प्लस 30d, a का मान यहां पर है अभी निकाले माइनस 32, 30 गुने 7, d का मान 7 है, 210 हो गया, 210 में 32 घटेगा तो 178 हो जाएगा, यानी a 31वां पद जो है 178 है। साथियों 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है, यानी n का मान 50 हो गया है, a 3 12 है, n का मान 106 है, तो a 29 का मान हमें ज्ञात करनी है। a 3 12 में का मतलब a प्लस 2d बराबर हो गया 12 समीकरण फर्स्ट, और उसके बाद है कि an बराबर 106 है और n 50 है, यानी a 50 बराबर हो गया a प्लस 49d बराबर 106 समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में फर्स्ट घटा दीजिए तो a कैंसिल हो जाएगा, 49 में 2 चला गया 47d और 106 में 12 घट गया तो 94, 47 × 94 d का मान 2 आ गया। समीकरण फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, a प्लस 2 × 2 4 हो गया, a प्लस 4 बराबर 12 हो गया, a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8 हो गया, a का मान हो गया 8, a 29 निकालते हैं, a प्लस 28d, a का मान कितना है 8 दिया हुआ है, a का मान अभी तुरंत निकाले 8 प्लस 28d का मान 2 हो गया, 8 प्लस 56 बराबर कितना हो गया 64, a 29 का मान 64 हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, a 3 दिया है 4, a 9 दिया है माइनस 8, कहता है कौन सा पद शून्य होगा। साथियों a 3 बराबर 4 जिसका मतलब हो गया a प्लस 2d बराबर 4 हो गया समीकरण फर्स्ट, a 9 माइनस 8 है मतलब a प्लस 8d बराबर माइनस 8 समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट में सेकंड घटाते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, 2d में 8d घटेगा तो माइनस 6d, 4 में से माइनस माइनस 8 घटेंगे तो 12 हो जाएगा, ये कट के 2 हो गया, d का मान हो गया माइनस 2। यहां के बाद इधर आइए, समीकरण फर्स्ट से a का मान निकालनी है, 4 माइनस 2 इंटू 2 यानी हो गया 4 प्लस 4 बराबर 8, a का मान हो गया 8। अब an कहता है कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते an पद शून्य है, a बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a का मान 8 हो गया, n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू 0, इस 8 को उधर लेंगे तो माइनस 8 हो गया, आइए माइनस 2 से भाग कर दिए तो 4 हो गया, n का मान 4 प्लस 1 5 हो गया, अतः इसका 5वां पद जो होगा वो शून्य होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों, d का मान ज्ञात करना है, a 17 दिया हुआ है, a 17 a 10 से 7 अधिक है, तो a 17 का मतलब a प्लस 16d और a 10 का मतलब a प्लस 9d प्लस 7, a कैंसिल हो जाएगा और 9d उधर लाएंगे तो 7d हो जाएगा बराबर 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, d का मान हो जाएगा a। अब d का मान एक हो गया, हमें d ही ज्ञात करना था, d निकल के आ गया, अतः इस कंडीशन में सार्वंतर का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक एपी दिया है, इसमें एक एपी दिया है और कहता है इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो मान लेते हैं कि इसका एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो एनवा पद का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए 54 का मतलब होगा a प्लस 53d प्लस 132, a कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1, डी का मान यहां से निकाल सकते हैं, 12 15 में से 3 चलाएगा तो 12 हो जाएगा, तो d का मान 12 हो गया, 53 गुने 12 प्लस 132 n माइनस 1, ये दोनों में 12 कॉमन निकल सकता है साथियों, तो 53 प्लस 11 हो जाएगा और 12 12 कैंसिल, n बराबर हो जाएगा 53 11 होता है 64,
एक उधर जाएगा तो हो जाएगा 65, यानी एन बराबर 65। इसका मतलब यह है कि इस एपी का 65वां पद जो है इसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समानांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, मान लेते हैं वो डी है, और कहता है उसके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 100वें पद का मतलब हो गया ए प्लस 90D और इसका हो जाएगा ए वन माइनस प्लस 90D, क्योंकि माइनस करने पर ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए वन हो गया 100। अब कहता है इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, इसके 1000वां पद हो जाएगा ए प्लस 999D, इसका हो जाएगा ए वन प्लस 999D, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए वन हो गया, और ए माइनस ए वन का मान 100 है, यानी 1000वें पद का मान भी 100 होता है। साथियों यहां ध्यान देंगे, अगर दो एपी का समानांतर पद समान है तो कोई भी पद निकाले तो उसके पहले पद का जो अंतर होगा वही उसका मान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीन अंकों वाले ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। साथियों तीन अंकों की सबसे पहली संख्या सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य होने वाला अगला संख्या हो जाएगा 112, यानी डी का मान हो जाएगा 7। अंतिम 1000 से नीचे कौन संख्या है जो कि 7 से कटता है, तो 1000 7 से डिवाइड करेंगे 1000 में, तो या तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 999 होती है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, भाग दीजिएगा तो एक मरते लगेगा, ये 2 हो गया, 7 चौक 28, हाथ में एक रह गया 19, 7 दूनी 14, 5 5 शेष बच गया, 5 इसमें से हटाना पड़ेगा, तो 999 में से 5 घटा देंगे तो 994 हो जाएगा, यानी इसका अंतिम पद 994 है, तो मान लेते हैं वो एनवा पद है 994। एनवा का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 994 ए का मान 105 है, एन माइनस वन डी का मान 7 है, 105 को अगर घटाएंगे तो 889 आ जाएगा, 889 में 7 से भाग करेंगे 27 हो जाएगा, एन माइनस वन का मान 127 है, एन बराबर 127 प्लस 128 हो गया। अतः तीन अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणनखंड हैं, यानी 4 के कितने गुणज हैं, कितने ऐसे संख्या है जो 4 से विभाजित होने वाली है 10 से 250 के बीच में, इसको आप गुणज कह सकते हो। तो 10 के पास 12 है जो 4 से कटता है, एक मान 12 हो गया, 4 से कटता है तो 12 के बाद 16 होगा, यानी डीवी हो गया 4, और 250 के पहले 4 से कटने वाली संख्या कौन है, यह देखिए 4 से भाग करेंगे 250 में 6×24, 4×8 से 2 बच जाता है, 2 घटाना पड़ेगा, 250 में से 2 घटा दे तो 248 हो जाएगा, एन 248 हो गया, एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान 12, एन माइनस वन डी का मान 4, 12 के धर आगे घटा दीजिए 236 हो जाएगा, इस 4 से भाग कर दीजिए तो ये 59 हो जाएगा, और ये n माइनस वन का मान 59, एक जोड़ n का मान इधर लाएंगे तो 59 प्लस वन यानी 60 हो जाएगा, यानी इसमें 60 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं ऐसे हैं जो 4 के गुणज हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दोनों एपी का एनवा पद समान है, यानी दो एपी है, मान लेते पहले एपी का पहला पद ए वन है, कॉमन डिफरेंस डी वन है, दूसरे एपी का पहला पद A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है। साथियों यहां एपी दिया हुआ है, उस एपी का पहला पद यहां 63 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, दूसरे एपी का पहला पद 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। अब ये 63, ये 3 को इधर ले आए तो 60 हो गया, इसको उधर ले गए एन माइनस वन, यहां भी एन माइनस वन है, यहां कॉमन निकाल लिया, 7 माइनस 2 हो गया यानी 5, 5 से काट के 60 को 12 हो गया, एन का मान 12 प्लस 13 हो गया, यानी 13 पद ऐसे होंगे दोनों एपी में जो आपस में समान होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, A3 16 है, A7 A5 से 12 अधिक है,
सेवन है, इसका मतलब ए प्लस टू डी बराबर 16, समीकरण फर्स्ट हो गया। ए सेवन मतलब ए प्लस 60, ए फाइव मतलब ए प्लस 40 प्लस 12, ए कैंसिल हो गया, 40 में आ गया, 2D बराबर हो जाएगा 12, यानी D बराबर हो गया 6। इस तरह से D निकल के आ गया। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट में भर देते हैं, तो ए प्लस 12 बराबर हो जाएगा 16, 6 × 2 = 12 हो गया। अब 16 × 12 घट गया तो 4 हो गया, यानी A का मान 4 हो गया, यानी इसमें हमें AP क्रिएट करना था, तो A 4 हो गया, D 6 है, तो 4 + 6 = 10, 10 × 16, 16 × 22 डॉट डॉट, यानी इस शर्त में एपी 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। साथियों कोई भी एपी है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये अंतिम पद है। डी में 3 घट गया तो यहां पर हो जाएगा -5, यानी कॉमन डिफरेंस यहां पर 5 हो जाएगा। जब शुरू से अंत की तरफ जाते हैं तो पहला पद के बाद दूसरा पद, दूसरा पद तीसरा पद आता है। अब अंतिम से चलेंगे तो अंतिम को पहला पद यदि मान लेते हैं 253, तो कॉमन डिफरेंस जो इधर से घटते जा रहा, बढ़ते जा रहा था, उधर से आएगा तो घटते जाएगा, डी का मान -5 हो जाएगा, इधर से 5 है, इधर से -5 हो जाएगा, तो 120 बराबर होता है ए प्लस 19 डी, ए का मान 253 मान लिया, 19D का मान -5, 253 में 95 घटा दी 158, यानी इस एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है A4 और A8 चौथे पद और आठवें पद का योग 24 है, छठे पद और दसवें पद का योग 44 है, तो इसका प्रथम तीन पद ज्ञात करना है साथियों। तो A4 का मतलब A प्लस 3D और A8 का मतलब A प्लस 7D बराबर 24 हो गया। A प्लस 8 2A हो गया, 3D प्लस 7D 10D हो गया बराबर 24, 2 कॉमन निकल गया तो A प्लस 5D बराबर 24, तो उसे कट गया तो 12, A प्लस 5D का मान 12 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। A6 का मतलब A प्लस 5D और A10 का मतलब A प्लस 9D बराबर 44, 2A प्लस 14D बराबर 44, 2 से कैंसिल हो गया 22, A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाएंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, और 2D में 5D में 7D घटेगा तो -2D हो जाएगा, 12 में 22 घटेगा तो -10 हो जाएगा, -2 कैंसिल, 5 × 2 = 10, डी का मान हो गया 5। समीकरण फर्स्ट को लिए, इसमें डी का मान 5 बढ़ दिए तो ए प्लस 25 बराबर 12, यानी 12 − 25 बराबर हो गया -13, ए का मान -13 हो गया, प्रथम तीन पद हो गया -13, 5 इसमें जोड़ दिए तो -8 हो गया, फिर 5 जोड़े तो -3 हो गया, फिर 5 जोड़े तो -2 हो गया, सॉरी और 8 में से 5 जोड़े तो हो गया -3, और जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। इस तरह से इसके प्रथम तीन पद हो गए -13, 18, -13, -8 और -3, ये 2/4 पद हो जाएगा साथ। अब 19वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम उसका वेतन जो है 5000 रुपया है, और हर महीने 200 रुपया उसकी इंक्रीमेंट होती है, तो कहता है किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो मान लेंगे कि एनवा वर्ष 7 वर्ष हो गया, नहीं एन बराबर 7000 हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन टू डी बराबर 7000, ए का मान 5000 है, एन माइनस वन डी इंक्रीमेंट जो होता है हर 200 रुपया होता है, उसको दर घटाएंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 में 200 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा, एन माइनस वन बराबर 10, एन बराबर 10 प्लस 1 11, अतः 11वां वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है साथियों, ए बराबर 5, डी बराबर 5 रुपया है, तो एन बराबर इतना है तो एन का मान क्या होगा ये बताना है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी बराबर इतना है, ए का मान 5 भर दिया इसमें, डी का मान भी भर दिए, 5 उधर जाकर घटाए 20.75 में 5 घटाएंगे 15.75 हो जाएगा, 1.75 से भाग करेंगे तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, एन माइनस वन का मान 9 हो गया, एन का मान 9 + 1 = 10 हो गया, अतः इस शर्त में दशमा पद जो होगा वो 20.75 होगा। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस सत्र में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से
20 नंबर तक का सॉल्यूशन सीखा है। आप इसी तरह जुड़े रहे साथियों, आपके लिए हम अगले सत्र लेकर के आएंगे इसी का आगे का हिस्सा, और आप सीखते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।